नाजरीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। द स्लूट्स ऑफ राजेंद्र नगर एंड SOT ऑफ राजेंद्र नगर जोन बस्टेड द गैंग ऑफ गांजा सप्लायर्स ऑन 26th ऑफ दिसंबर 2023 मॉर्निंग बाय लोडिंग द गांजा इन द मॉडिफाइड कार डिक्की बाय रिमूविंग द कार साइड इंडिकेटर और पार्किंग लाइट कवर। द टू अक्यूज पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम विशाखापट्टनम बाई इंटीरियर रोड विदाउट टचिंग टोल प्लाजा एंड प्रोसीडेड टू उदगीर वाया शमशाबाद एंड राजेंद्र नगर। ऑन 27th ऑफ डिसंबर 2023 मॉर्निंग ऑन अ टिप ऑफ द स्लूट्स ऑफ राजेंद्र नगर हैव कंडक्टेड व्हीकल चेकिंग एट सर्विस रोड दरगाह खलीज खान एट राजेंद्र नगर एंड नोटिस द व्हीकल इंटरसेप्टेड द सेम एंड अरेस्टेड द अक्यूज पर्सन। Due to the good work done by Inspector of Police Sri B. Nagendra Babu, Sri C. Bhanu Prakash, SI of Police and SOT team of Rajendra Nagar Zone, the CP Saibrabad has appreciated them and the case was detected under the supervision of Ms. Sadhana Rashmi Parumal, IPS, DCP Rajendra Nagar Zone and Sri B. Gangadhar, ACP, Rajendra Nagar Division, Commissioner of Police, Rajendra Nagar Zone, Saibrabad. This report was covered by Muhammad Aslam Siddiqui. गुड इवनिंग एवरीवन। आज राजेंद्र नगर जोन में एक गांजा केस आया है। इसमें हमारे टीम SOT टीम और लोकल पुलिस की हेल्प से 80 केजीज ऑफ गांजा हमने सीज किए हैं। ये 80 केजीज 58 पैकेट्स में है जो आपने अभी लिया फोटो। तो इसमें हमारे पास चार अक्यूज्ड हैं, जिसमें दो हमारी कस्टडी में है। जो हमें अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि A1 अक्यूज जो है मेन रवि करके, ये इन्होंने विशाखापट्टनम से ये गांजा जो है अक्यूज्ड A2 और A3 अनिल बिरादर और A3 माधव इंचोरे, इन दोनों को हैंडओवर किया है और ये लेके जा रहे हैं उदगीर एरिया बीदर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। तो इसको हमने हमारे एरिया में इंटरसेप्ट किया है और अभी अक्यूज्ड A2 और A3 को हम अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके इनको रिमांड करेंगे और बाकी A1 और A4 पे इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। टॉपिंग है किस मैडम ने टॉपिंग है किस तेलंगाना के? नहीं, वैसे नेटिव भी कर्नाटका के हैं, चारों अक्यूज नेटिव कर्नाटका के हैं। पहले भी कैसे थे? अभी वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू।